नमस्कार, जिला स्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभीर और करेंगे 150 गांव 150 खबर। बेवजह बाहर घूमने पर 3 युवाओं को नापास, पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर भेजा, जांच नेगेटिव आने पर छोड़ा। रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। DYSP अंजुम कायल ने दुकानदारों को दी हिदायत। मोमासर कस्बे में सर्दी जुकाम के लगातार बढ़ रहे मरीज, जरूरतमंद मरीजों की कोरोना जांच कराई जा रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 साल से 44 साल के आयु के युवाओं में टीका लगवाने को लेकर दिखा जोश, रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर लंबी कतार। खेत ट्यूबवेल में बने कमरे में लगी आग, 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। मडाडा प्लांट से 189 सिलेंडर निकलने पर जिला अस्पताल को 154 सिलेंडर ही मिले। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने 35 सिलेंडर के घोटाले पर प्रशासन से मांगा जवाब। कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना, बेवजह घूमने पर पुलिस ने लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। जिला चिकित्सालय कमला नेहरू और सिटी डिस्पेंसरी में कोरोना जांच केंद्रों पर भीड़ के चलते संक्रमण का खतरा मंडरा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर केलवा में समाजसेवी तनसुख बोरा के नेतृत्व में सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ। मेवाड़ में मदद फाउंडेशन को कांकरोली के मोंटी साहू डुंगा बा सामोसा वाले ने जरूरतमंदों के लिए 8 ऑक्सीजन किट, 200 मास्क और 50 सैनिटाइजर बोतल उपलब्ध करना। गोवर्धन चिकित्सालय नाथद्वारा में कोरोना मरीजों के लिए डॉक्टर बाबूलाल जाट के मार्गदर्शन में शैलेश प्रजापति, कोमल पालीवाल, सुरेंद्र सिंह और प्रकाश सुथार ने मोबाइल टॉयलेट भेंट किया। हरियाणा गांव में सरकारी भवन जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिरने से हादसा होने की संभावना बनी हुई है, प्रशासन का ध्यान नहीं। भिलाड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आई। जोधपुर के बालेसर से 78 नए कोरोना केस सामने आए, 3 लोगों की मौत। शेरगढ़ में मंगलवार को मात्र 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 60 लोगों की सैंपलिंग की गई। आरके जिला चिकित्सालय में भर्ती भवरी बाई उदयलाल जैन द्वारा समस्या को समझकर आमजनों के लिए व्हील चेयर भेंट की। तिवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 79 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए, सैंपल देने के लिए कुल 93 लोगों का पंजीयन हुआ। एक व्यक्ति ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ 90,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। बालेसर कस्बे में वाटर सप्लाई यूनियन गर्मी के मौसम में कालोर नाड़ी में टैंकरों से पानी डालकर बेसुआ पक्षियों और पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रही। देचू कस्बे में कंटेनमेंट जोन होने के कारण सुबह 8 बजे तक मार्केट खुला रहा, जिसके बाद मुख्य बाजार में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। जोधपुर के राजकीय चिकित्सालय बाप में उप जिला मजिस्ट्रेट महावीर सिंह की अपील पर महिला संघ व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर उपलब्ध करवाए गए। जोधपुर के बाप में कोरोना से बचाव के लिए तहसीलदार प्रतिभा सोनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। जोधपुर के फलोदे स्थित राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड में वृद्ध महिला के उपचार में लापरवाही बरतने पर मौत हो गई। रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत भोपालगढ़ कस्बे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट की पालना को लेकर फ्लैग मार्च निकालेगा। पुलिस उपाधीक्षक विजय शंकर शर्मा ने गीतों के साथ लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया। कनवास में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर 4 लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर भेजा। सुल्तानपुर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करी, पुलिस ने बेवजह घूमने पर कई लोगों के चालान काटे, क्वारंटीन सेंटर भेजा। नया गांव अरिहान गांव में RSS कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव के लिए 300 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। डूंगरजुआ में एक विवाह कार्यक्रम में कोविड-19 की अवहेलना करने पर निर्धारित संख्या से ज्यादा मेहमान बुलाने पर दिगोद SDM राजेश डागा ने विवाह आयोजक शंभुनाथ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। छोटी सादड़ी पुलिस ने गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए बेवजह घूम रहे किस लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर बीती रात चोरों ने तसल्ली से ढाबे 60,000 रुपए का सामान चुरा कर ले गया। छोटी सादड़ी में कोरोना संकट के दौर में भामाशाह मरीजों की लगातार मदद करने में जुटे हुए। अरनोद उपखंड मुख्यालय पर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को क्वारंटीन किया गया। नागौर के खेवसर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए सरपंच राजू देवी ने कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। नागौर के पर्वतसर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जिला
अतिरिक्त कलेक्टर रिजपाल सिंह बुर्डक ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को बैठक ली। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर जिले के परबतसर के वार्ड संख्या 7 के पार्षद सुभाष पारिक ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। रामबाड़ी उपखंड के बाड़ी घाटी स्थित टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने टोल पर वसूली के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी और टोल देने से भी मना किया। नागौर जिले के कुचेरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने कस्बे में अनावश्यक रूप से घूमने वाले 13 लोगों को पकड़कर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा। नागौर जिले के मुंडवा नगर पालिका में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच बैठक आयोजित। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के गाइडलाइंस के अनुरूप बाजार खोलने पर चर्चा। नागौर जिले के कुचेरा कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे कोरोना संक्रमित ले सकेंगे चैन के साथ। नागौर जिले के कुचेरा स्थित टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने टोल वसूली अनिश्चितकाल तक बंद करवाई। किसानों ने टोल अधिकारियों को टोल वसूली बंद नहीं करने की दी थी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डेगाना रेलवे जीआरपी पुलिस हुई अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक और बिना मास्क के घूमने वालों के जीआरपी इंचार्ज पूना राम नायक ने काटे चला। ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। नाचना सरपंच तेजल सोनी ने लोगों को घरों में रहने की अपील की। रामदेवरा कस्बे में दुकानदारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। फलसुंड थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। मसूरिया निवासी वहीद खान ने अपनी पत्नी रश्मि उर्फ रस्मत की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रामगढ़ के मुख्य बाजार में बेवजह घूम रहे दो लोगों को थानाधिकारी चुन्नीलाल बिश्नोई ने स्कूल में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा। श्रीगंगानगर के साधु शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों से सरपंच पति प्रेम सिहाग, नायब तहसीलदार तनवीर संधू और ग्राम विकास अधिकारी इंदर सिंह गोदारा ने संक्रमण से बचाव के लिए शोक बैठक स्थगित करने के लिए समझाइश। मोहनगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज आने के कारण कस्बे को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया। उपखंड मुख्यालय में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कोरोना के बचाव के लिए ग्रामीणों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटी गई। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा कर्मी प्रेमाराम वीरा रहे मौजूद। कुड़ियासर समेत अन्य गांव में बिजली कटौती के चलते आमजनों को हो रही भारी परेशानियां। कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस ओर नहीं दिया गया ध्यान। मुख्य बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर नीचा होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस ट्रांसफार्मर को ऊपर नहीं किया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी को की रोकथाम को लेकर काप्रेन नगर पालिका के चेयरमैन हेमराज मेघवाल ने अरनिया महादेव मंदिर पर विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक कराया। ग्राम भजनेरी उपखंड दैनवो में बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करने पर चालान बनाकर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। दैनवा में बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने पर एसटीएम ने की कार्रवाई, 5,000 रुपये लगाया जुर्माना। डाबी थाना क्षेत्र के धनेश्वर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। काफ्रेन इलाके में नहीं थपड़ा कोरोना संक्रमण। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक, निजी स्कूल संचालक, पूर्व पार्षद समेत 20 लोग मिले पॉजिटिव। संक्रमितों को किया गया होम क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों ने गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। जयतारण चिकित्सालय में मोर्चरी में मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान शव को ठीक से पैकिंग नहीं करने पर परिजनों ने उपखंड अधिकारी से शिकायत की। जयतारण में गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने को लेकर पुलिस ने बेवजह घूम रहे कई लोगों के चालान काटे और लोगों से घरों में रहने की अपील की। भरगांव में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। निमाज गांव की बालिका लापता होने की खबर जिला स्थान पर चलाने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा जिले के अगरपुरा चेक पोस्ट का निरीक्षण उच्च तकनीकी शिक्षा सचिव नारायण लाल मीणा ने किया। इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बांसवाड़ा के कुपड़ा कस्बे में कोरोना की रोकथाम के लिए थानाधिकारी ने निकाला फ्लैग मार्च, आमजनों से घर में रहने की अपील। बांसवाड़ा जिले के समाई माता वन क्षेत्र की पहाड़ी पर रात को अचानक आग लग गई। आग पर चार घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर इलाके में डीएम अंकित कुमार सिंह ने नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। दौसा के सालमपुर गांव में सामूहिक भोज की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खाने को नष्ट करवाया, वहीं आयोजनकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दौसा के भांडरेज गांव में ब्यूटी पार्लर संचालन की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर ब्यूटी पार्लर को बंद कराया। दौसा के मंडावर थाना क्षेत्र के साहेपुर पाखर गांव में पुलिस ने तंबाकू उत्पादों से भरी एक पिकअप को जब्त किया। दौसा के मानपुर में चिकित्सा विभाग की टीम ने एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झोला छाप के क्लिनिक को सीज किया। सीकर के पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश नारायण ने एक कोरोना पॉजिटिव पीड़ित को सीकर के मित्तल अस्पताल में जाकर प्लाज्मा डोनेट कर पीड़िता की जान बचाई। सीकर के फतेहपुर में आचार्य श्री महाश्रवण जी की अनुवृत्ति शिष्या साध्वी मंगल प्रभा अपनी सहवर्ती साध्वियों के साथ जयपुर से चूरू जाते समय अहिंसा पदयात्रा के तहत स्काउट भवन फतेहपुर में अल्प प्रवास के लिए रुके। साध्वी मंगल प्रभा के आगमन पर उनका स्वागत हुआ। सांवलपुरा तवरान के नायक सुबेदार रामपाल का हार्ट अटैक से निधन होने के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सम्मान में ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली, पुष्प चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। सीकर जिला प्रमुख गायत्री कंवर समेत 7,974 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगा। 18 से 24 साल तक के 4,957 युवक युवतियों ने टीका लगाया। निमका थाना इलाके में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में कोरोना जांच करवाने को लेकर प्रतिदिन 300 से ज्यादा लोग कोरोना की जांच कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। केकड़ी अस्पताल से प्रतिदिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बोराड़ा थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी गुमान सिंह के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह रावत के निर्देशन में लैब टेक्नीशियन धर्मेंद्र सिंह नरुका ने जोताया स्वास्थ्य केंद्र पर 10 लोगों के कोरोना सैंपल लिए। RISDM प्रियंका बड़गुजर ने सिरोंज दादिया मंडवारिया और झाड़ोल गांव में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के हालचाल पूछने और दवाइयों की जानकारी लेने पहुंची। किशनपुरा गांव में 2 बाड़ों में लगी आग से लगभग 18 ट्रोली चारा जलकर खाक। अराई में बनाए गए कोविड क्वारंटीन सेंटर का SDM प्रियंका बड़गुजर, पुलिस उपाधीक्षक गोपाल सिंह और थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के बीजवाला में CO सुरेंद्र सिंह ने बस स्टैंड पर नाकेबंदी स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और गाइडलाइंस की पालना की अपील की। विधायक सोना देवी बाबरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने का आग्रह किया है। श्रीगंगानगर के जैसर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांग जनों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाकर सभी को वैक्सीन लगाने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में सरपंच सुरेश विश्नोई की अध्यक्षता में कोरोना जागरूकता और वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर ग्रामीणों की बैठक का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ में कोरोना रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सुबह से देर शाम तक निरीक्षण पर रहे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगू और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काटुंदा का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जिले की हर ग्राम पंचायत में कोविड केयर सेंटर खोलने का काम तेज गति से जारी है। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक ने ग्राम पंचायत चौगावरी में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की घर घर जाकर पूछताछ की।
चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने आज राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा से उनके जयपुर निवास पर मुलाकात की और कोरोना महामारी के कारण संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए भारतीय बहुजन साहित्य अकादमी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन सालवी ओजस्वी ने राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा। जयपुर में फुलेरा की रोजड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र कुमावत ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए ग्राम पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं के लिए अपने 6 महीने का मानदेय देने की घोषणा की और विकास अधिकारी के नाम पत्र लिखा। सांभर लेक जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वे ने क्षेत्र में पुलिस द्वारा बनाई गई अंतर जिला चौकियों का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटपुतली क्षेत्र में कोरोना वायरस के गहराते हुए संकट को देखते हुए कस्बे में एएसपी राम कुमार कस्वा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने मुख्य मार्गों से पैदल मार्च किया। जयपुर में पनियारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रेनवाल कस्बे में पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल की प्रेरणा से भामाशाह भी मदद के लिए आगे आ रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह ने स्टील के सोफे और पंखा अस्पताल प्रशासन को भेंट किया। कोटपुतली में कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वच्छता सेवा दल टीम द्वारा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के सेड़वा मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, 4 से 5 दुकान और केबिन जलकर खाक। बाड़मेर में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने शेव विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसर गाघरिया और पीएचसी खड़ीन का निरीक्षण कर चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के साथ चर्चा की। कोरोना के वैश्विक महामारी को लेकर शिव विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर ज्वालम सिंह रावलोक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर शिव रामसर गडरा सीएससी को कोविड 19 सेंटर बनाने की मांग की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रिफाइनरी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानकारी ली। चलिए यहां रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।